Manu, your first world championship. Yes, sir. How excited are you? बहुत मतलब खुश हो रहा है, मतलब पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिल रहा है, मतलब अभी आगे जाने के लिए भी ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए भी अच्छा मौका है। इसमें अच्छा करेगा तो अभी एशियन गेम्स में भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम चार पांच बंदे हैं, मतलब इंडिया से 85-84 मारने वाला तीन चार बंदे, इसलिए थोड़ा मतलब अच्छा करके एशियन गेम्स का क्वालिफाई करना है। अच्छा, मतलब अच्छा फील हो रहा है। अभी नीरज भाई का साथ भी मतलब बाहर खेल रहा हूँ, वो भी अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। 2017 में पहली बार नीरज वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में आया था, उससे पहले कभी भी जैवलिन में कोई नहीं था वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में। आजकल इंडिया की बहुत बात होती है, जैवलिन थ्रोज आ रहे हैं, 70+ देखो, 80+ देखो, आपको कैसा लगता है जब लोग इतना बात करते हैं इंडियन जैवलिन पे? पहले बात तो ये सब मतलब नीरज भाई की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने मतलब ओलंपिक मेडल लिया, मतलब 85 ऊपर फेंकने लगा वो जैवलिन को, उसके बाद हमको भी ये फील होता है, मतलब ये इजी लग रहा है 80-85, तो नीरज भाई मार रहा है, हम क्यों नहीं मार सकते हैं, ऐसे सोच के मतलब इजी हो रहा है 85 सब। अभी आगे और बढ़ेगा, और जैवलिन थ्रो होगा इंडिया में और अच्छा होगा, मतलब ओलंपिक मेडल के लिए भी और दो तीन बंदे उस मतलब मेडल ले सकता है, ऐसे हो सकता है। मनु, टीम में मूड कैसा है? पहले जो 11 लोग खेले हैं सेकेंड राउंड या फाइनल नहीं पहुंच पाए, तो टीम में मूड कैसा है और उसका असर आप लोगों पे है क्या, है तो कैसा है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, मतलब मुझे तो लग रहा है वेदर गीदर सब अच्छा ही ठीक किए, बस अभी क्वालिफाई राउंड में भी मतलब खेलना पड़ेगा, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब बोल रहा है मतलब सीन तो अलग है, इंडिया का अलग है, इधर का अलग है, इनका इधर सेट नहीं हो रहा है, वो क्या वो मुंडो ट्रैक बोलता है ना, उधर का थोड़ा फर्क पड़ रहा है इसलिए नहीं हो रहा है बोल रहा। आप तो मुंडो खेले हो ना? नहीं सर, मैं कभी नहीं खेला, नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अभी आपने जैसे कहा ना, नीरज एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, इतने लोग उनको देख देख के अब आगे आ रहे हैं जैवलिन में। ये भी कहा जाता है कि वो बहुत कम प्रेशर लेता है, बड़ा कूल रहता है अपने आप में, वही तो क्या वो चीज़ें भी आप? हाँ, वही तो बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि स्पोर्ट्स में कभी भी मतलब वो नहीं सोचना है ये क्या होता है, मतलब मुझे कर सकता है क्या नहीं, वो मतलब आराम से खुश रहो, आप आ रहो जीतो वो बाद में, वो मतलब लाइफ में एंजॉय, मतलब स्पोर्ट्स में तो एंजॉय करना पहले बात है, उससे मतलब माइंड भी फ्री होगा, आप मतलब खुल के कुछ सब कुछ करेगा तो वो बेस्ट ही होगा, ऐसे है सर। मनु, मेरे को एक और बात बताओ, आप बोल रहे थे कि मोंडो खेले नहीं हो, कंपटीशन में भी कई ऐसे जैवलिन थ्रोअर्स होंगे जिनको शायद जिनके साथ आप कभी खेले नहीं थे। अच्छा सर, तो उसको लेके आपकी क्या सोच? अभी मैं कॉमनवेल्थ भी खेला हूँ, मतलब वो पहला इंटरनेशनल था मेरा, उसमें तो 82-28 किया था, मतलब सब कुछ अच्छा था, मतलब वो ट्रैक तो मामूली था, उधर तो ऐसे मुंडो ट्रैक नहीं था, इधर तो वो ट्रैक है, मेरे को तो मुझे तो अच्छा फील आ रहा है इधर, थ्रो बहुत मतलब अभी थ्रो किया मैं, बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है, क्वालिफाई राउंड में देखना पड़ेगा क्या कैसे है। मनु, मोंडो के लिए स्पेशल और क्या करना पड़ेगा, कुछ पता चला? हाँ, थोड़ा इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, इनका ये भी बोल रहा है थोड़ा इनका इसमें किया नहीं ना पहले, इसलिए ऐसे हो रहा है, मतलब इसमें प्रैक्टिस हो, एक दो बार प्रैक्टिस करेगा तो सही हो जाएगा बोल। शूज डिफरेंट करना पड़ता है सर मोंडो के लिए? नहीं नहीं नहीं, स्पाइक का ले, मतलब सिंथ का अलग थोड़ा फर्क पड़ता है सर, इधर का थोड़ा सिंथ ना ये स्मूथ है, बॉन्डिंग ज़्यादा करता है, वो हमारा ऐसे नहीं है, थोड़ा सिंथ अलग है ना, थोड़ा पावर प्रेशर लेता है वो ज़्यादा, ये इतना स्मूथ है उससे। थैंक यू मैम। एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोग तीन लोग हो, किशोर हो, आप हो, नीरज हो, नॉर्मली ट्रैक एंड फील्ड में जैसे फील्ड इवेंट्स में भी ना कई कई देशों में हाई जंप में जैसे दो दो इटालियंस, तीन तीन इटालियंस, हैमर, शॉटपुट में कितना फर्क पड़ता है जब तीन इंडियंस हो उसी इवेंट में, आप लोग एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हो? अभी तीन नहीं चार होता था सर, रोहित थोड़ा इंजरी में है इसलिए वो हाई नहीं पाया, अगर चार होता तो और अच्छा फील हो जाता, अगर नीरज भाई भी मतलब ये किशोर का पासपोर्ट पर इशू हो रहा था इसलिए वो भी मतलब थोड़ा बात गीत कर लिया, वो ट्वीट कर लिया, वो भी आ पाया,
इसलिए मतलब कोई इशू नहीं है, मतलब हम बीच में कोई अच्छा फील होता है, वो अगर वो भी मारेगा तो हमको भी फील अच्छा होता है, मैं मारेगा तो वो भी कुछ होता है, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलूँ आप नेशनल ओपन या इंटरस्टेट या फेडरेशन कप खेलो तो ये कंपटीटर हो जाते हैं आपके। हाँ सर, तो मगर इधर आपके दोस्त बन के खेल रहे हैं आपके साथ, बाकी दो जो हिंदुस्तानी है, तो ये चेंज आप ऑलरेडी फील कर चुके हो कि मैदान में जाके पता लगे ट्रैक पे देखते हो? हम बाहर आ जाता है ना, वो मतलब वो फील नहीं रहता ये कॉम्पिटिटर है ऐसे, क्योंकि ये हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, ऊपर लेवल का वो कॉम्पिटिटर, मतलब अलग कंट्री का वो कॉम्पिटिटर होता है, इसलिए थोड़ा नेशनल में होता कॉम्पिटेट तो हम करता ही है, क्योंकि हम थ्रो करने से सब कुछ हो जाता है सर, वो तो उनका मतलब वो ज़्यादा फेंकेगा ये ज़्यादा फेंकेगा वो नहीं होता है, लेकिन थ्रो करने से आगे पीछे होता रहता है, उसका कोई वो नहीं है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।